हेलो एवरीवन, देखो जैसे मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर करवा रही थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ पार्ट्स करवा दिए थे, ठीक है। और मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने उसमें स्पीसीज करवा दिया था, जीनस करवा दिया था, ठीक है। अब क्या आएगी? फैमिली। क्या आएगी? फैमिली। तो देखो फैमिली क्या है, ठीक है। देखो फैमिली क्या होती है, फैमिली हम समझ सकते हैं अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है। जो जीनस के जो ग्रुप होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? फैमिली बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप ले लो जीनस सोलानम या पेटूनिया या दतूरा, ठीक है, इसको लेते तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे? सोलानेशिय फैमिली से। कौन सी फैमिली से? सोलानेशिय फैमिली से। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेपल्स होते हैं ना, वो कैसी होती है? फ्यूज होती है, ओपन नहीं होती, ठीक है। वो कैसी होती है? फ्यूज होती है, ठीक है। तो फैमिली में लिखो, family it is a group of related genera, ठीक है। और इसमें example ले सकते हो, जैसे मैंने बताया जो आपका genus सोलानम या पेटूनिया या दतूरा, ठीक है, ये सारे के सारे कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे? सोलानेशिय फैमिली से। कौन सी फैमिली से? सोलानेशिय फैमिली से, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्पीसीज बताया था, फिर मैंने जीनस बताया कि जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद सम कॉमन करेक्टर्स, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या बताया? फैमिली। स्पीसीज में मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका क्या डिनोट कर रही थी? स्पीसीज डिनोट कर रही थी। जीनस में जैसे मैंने लायन का बताया पैंथेरा लियो, ठीक है, लियोपार्ड का बताया पैंथेरा लियोपार्ड्स, ठीक है। तो उसमें जो पैंथेरा पैंथेरा है, दोनों का क्या है? सेम जो है ना, जीनस है, ठीक है। ऐसे फैमिली में फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है। जैसे जीनस सोलानम पेटोनिया या धतूरा, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे? सोलानेशिय फैमिली से बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सेप्पल कैसी होती है? फ्यूज्ड होती है। समझ गई? आगे फैमिली समझ। इसके बाद आता है आपका ऑर्डर। क्या आएगा? ऑर्डर। देखो लिखो ऑर्डर। ऑर्डर देखो क्या होता है आपका। ऑर्डर हम कह सकते हैं आप ग्रुप ऑफ फैमिली, ठीक है, वी सम कॉमन करेक्टर्स या वी सम रिजेम्बलेंस ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। तो ऑर्डर लिखो, अ ग्रुप ऑफ फैमिली विद सम रिजेम्बलेंस ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बात करते हैं, मान लो आपकी जो फैमिली है सोलानेशिय और दूसरी कॉमोलेशिय है, ठीक है, दोनों जो है ना किस ऑर्डर से बिलोंग करती है? पॉलीमोनियल से बिलोंग करती है, ठीक है। कौन से ऑर्डर से? पॉलीमोनियल से, ठीक है। अब देखो वो कैसे, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है, इसमें क्या करते हैं, इसके फ्लोरल करेक्टर्स होते हैं, जो जैसे पेटल सेम होगी, ठीक है, इसको फ्लोरल करेक्टर्स को लेते हैं इस ऑर्डर के अंदर हम, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है? अ ग्रुप ऑफ फैमिली विद सम रिजेम्बलेंस ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब देखो लिखो एग्जाम्पल, ये फैमिली ले ली कॉनवोल रिलेसिय फैमिली और दूसरी ले ली सोलानेशिय, तो ये किससे बिलोंग करेंगे आपके ऑर्डर? पॉलीमोनियल से। किससे बिलोंग करेंगे? पॉलीमोनियल, ठीक है। तो समझ आया ऑर्डर क्या बताया? अ ग्रुप ऑफ फैमिली विद रिजेम्बलेंस ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड ऑर्डर। इसमें एग्जाम्पल कॉनवोलेसिय सोलानेशिय फैमिली, तो किससे बिलोंग करेंगे आपकी? पॉलीमोनियल से बिलोंग करेंगे। समझ गए ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर के बाद आता है क्लास। क्या आएगा? क्लास। बताया था ना कितने दिनों क्लास ओवर होने के बाद फिल्म देखने गए सब, ठीक है, ट्रिक बताई थी ना। तो अब आता है आपका क्या? क्लास। क्लास के अंदर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर विद कॉमन करेक्टर्स। अब देखो क्लास में कैसे, क्लास में मान लो हमने ले लिया प्राइमेटा ऑर्डर ले लिया और कार्निवोरा ले लिया, ठीक है, तो उन दोनों की जो क्लास है वो कौन सी होगी? मैमेलिया। कौन सी क्लास होगी? मैमेलिया, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मैमेलिया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैमेरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो क्लास में लिखो, अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर विथ सम कॉमन करेक्टर्स, ठीक है।
एग्जांपल लिखो ऑर्डर, जैसे प्राइमेटा हो गया और कौन सा हो गया कार्निवोरा ले लो, तो ये किस क्लास से बिलोंग करेंगे? दोनों के दोनों मैमेलिया से। किस से बिलोंग करेंगे? मैमेलिया से, समझ गए? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैमेरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो क्लास बताया, ऑर्डर बताया और आपका जो है फैमिली बताई, समझ आ गया? ठीक है, अब आता है क्लास के बाद आता है फाइलम। क्या आएगा? फाइलम। देखो फाइलम, अब फाइलम होता है आपका, हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ क्लास विद फ्यू करेक्टर्स। ठीक है, विद फ्यू करेक्टर्स, उसके उसे क्या बोलेंगे? फाइलम बोलेंगे। ठीक है, तो फाइलम में कैसे ध्यान रखोगे? जैसे आपका एम्फीबियन ले लिया, ठीक है, आपने मैमेलिया क्लास ले ली, एम्फीबियन क्लास ले ली, लेकिन जो ये है ये किससे बिलोंग करेंगे, किस फाइलम से बिलोंग करेंगे? वो देखो कोर्डेटा फाइलम से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे? कोर्डेटा फाइलम से। ठीक है, तो फाइलम लिखो, फाइलम होता है अ ग्रुप ऑफ क्लास विद फ्यू करेक्टर्स। क्या कहलाता है आपका फाइलम? एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने मैमेलिया क्लास ले ली और ले ली मैंने कौन सी आपकी एम्फीबियन ले ली। ठीक है, पाइसिस ले सकते हो, पीसीज वाली जो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, मैमेलिया ले ली, एम्फीबियन, तो ये दोनों किस फाइलम से बिलोंग करेंगे? कोर्डेटा से। किससे बिलोंग करेंगे? कोर्डेटा से। समझ आ गया? फाइलम क्या बताया? अ ग्रुप ऑफ क्लास विद फ्यू करेक्टर्स इज कॉल्ड फाइलम, दैट इज मैमेलिया, एम्फीबियंस, और इनका फाइलम क्या होगा? कोर्डेट। ठीक है, कोर्डेट, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कोर्डेट्स। समझ गए? ठीक है, तो फाइलम कोर्डेट्स। ठीक है, अब आता है किंगडम। क्या आएगा? किंगडम, देखो जैसे स्पीसीज में तो कॉमन सिमिलरिटी थी, ऐसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो सिमिलरिटीज है वो कम होने लगती है। किंगडम में की बात करें तो इसमें मोर डिफरेंसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, देर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बिटवीन द स्पीसीज, कोई मतलब कोई रिलेशन, जैसे हमने स्पीसीज में तो हमने बताया था कि रिलेशनशिप होंगे दोनों के बीच में, ठीक है, तभी वो होगा, ठीक है, ब्रीड कर पाएगा। किंगडम में मोर डिफरेंसेज होंगे, ठीक है, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मोर डिफरेंस More differences occur, but there is no relation between them. ठीक है, और किंगडम में आप ले सकते हो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। किंगडम के अंदर किसको ले सकते हो? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हो आप, किंगडम के अंदर आएंगे आपके प्लांट किंगडम और क्या आ सकता है एनिमल किंगडम। समझ आ गया? ये आपका क्या था? किंगडम था। ठीक है, आप देखो उसके बाद आएगी आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी होगी, ठीक है, जिसमें आपका कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, आपकी जो है ऑर्डर, क्लास, फैमिली और फाइलम, किंगडम, इन सब के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं उसे। सबसे पहले मान लो यहाँ कॉमन नेम है, ठीक है, क्या है? कॉमन नेम। ठीक है, उसके बाद क्या है? बायोलॉजिकल नेम। उसके बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आ जाएगी फैमिली, फैमिली के बाद क्या आएगा? हम कह सकते हैं ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, ठीक है, क्लास के बाद आप लिख सकते हो, क्लास के बाद लिख सकते हो फाइलम। क्या लिख सकते हो? फाइलम, देन किंगडम। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिखो, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, कॉमन नेम जैसे कि हम लेते हैं कॉमन नेम किसका? मैन का लेते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम तुम्हें पता है क्या है? होमो सेपियंस। क्या है बायोलॉजिकल नेम? होमो
सेपियंस। जीनस क्या होता है इसका, होमो, और स्पीसीज क्या है, सेपियंस। तो जीनस लिखो होमो, ठीक है। फैमिली मैंने बताई है होमिनिडे, क्या होती है फैमिली, होमिनिडे, ठीक है। और इसका जो है ऑर्डर क्या होगा, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेगा, ये कार्निवोरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा, ठीक है। क्लास मैमेलिया, ठीक है। फाइलम कौन सा होगा, ये कॉर्डेटा। और किंगडम कौन सा होगा, ये एनिमल किंगडम। समझ आ गया, ठीक है। तो हम ऑर्डर किससे बिलोंग करेगा, ये ऑर्डर प्राइमेटा। और क्लास लिख सकते हैं, किस क्लास से बिलोंग करेगा, मैमेलिया, ठीक है। फाइलम लिखो, ठीक है। और किंगडम होगा एनिमल किंगडम। समझ आ गया, ठीक है। तो ये अब इसको वैसे भी कैसे याद रख सकते हो, इसको वैसे भी ऐसे याद रख सकते हो कि चोर का मामा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को सांप से कटवाया, ठीक है। इसकी ट्रिक लिखो, चोर का मामा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से कटवाया, ठीक है। चोर का मामा यानी कि कोरडाटा, चोर से कोरडाटा, चोर का मामा, एम से मैमेलिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यानी कि पी से प्राइमेटा, ठीक है। और किसे, होम मिनिस्टर यानी कि होमिनिडे, जीनस होमो भी बोल सकते हो, ठीक है। से कटवाया, इसकी स्पीसीज सेपियंस और होमो, जीनस और कॉमन नेम मैन, ठीक है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, चोर का मामा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को सांप से कटवाया, ठीक है। चोर का मामा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को सांप से कटवाया, समझ गए। तो ये थी इसकी ट्रिक, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप सारे कर लोगे, मेरे ख्याल से टेबल तो बुक में ऐसे कर सकते हो ना आप रिवाइज, ठीक है। तो लॉजिक लगा के याद करना इस टेबल को, ठीक है। आज के लिए इतना।